गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काक्षै मङ्गलायै तनु हरि ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। प्रस्थान के लिए शगुन सुंदर है ठाकुर साहब। चलो भाइयों, टिकट किधर है? अरे रामू इधर आओ। टिकट नहीं है, बस का। अरे अरे टिकट
क्या है, अंदर चलेगी या यही बैठेगी? पर मैं बैठू ही क्यों? माथे का लिखा पढ़वाना है तो का खड़े खड़े ही पढ़ेगी? अच्छा, माथे का लिखा पढ़वाना है, पर तुझे कैसे मालूम कि मैं माथे का लिखा पढ़ती हूँ? अब इतना मत, हाथ में मिट्टू टांगे टांगे काहे को लकड़ा रही है? ओह, बोल, का लेगी भाग पढ़ने का? वो तो भाग पे है, जितना बड़ा भाग उतनी बड़ी पढ़ाई। तू तो बड़ी चंट लगती है, चल अंदर। ले, देख। हाँ, ये कह रहा है कि आज तुमने अपने घर में मच्छी खाई है या बनाई है? मेरी तैयार, ये भी पता चल गया इसे? आगे बोल। आगे 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 ये कह रहा है कि तुम्हारा एक लौता भाई भी है। अरे अच्छा, एक बात और बता, अपने मिट्टू से कह, तनिक सोच के बताए। अच्छा पूछ। मेरा भैया ऐसे रसीले गीत लिखता है कि का बताऊं। अपने मिट्टू से पूछ के बता कि मेरा भैया कभी बड़ा कवि बनेगा कि नहीं। ये बताने में जरा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, उसका हाथ भी देखना पड़ेगा। तू ऐसा कर, अपने भैया की एक कविता सुना दे मुझे, तब तक हम दोनों सोचते हैं, ठीक है हीरामन? मेरे भैया का हर गीत एक ही तरह शुरू होता है। जब वो प्यार मिलते हैं, तन में फूल खिलते हैं, मन के मंदिर में जल जाते हैं दिए। ये जमीन आसमां थम जाते हैं दो पल के लिए। जब वो प्यार मिलते हैं, तन में फूल खिलते हैं, मन के मंदिर में जल जाते हैं दिए। ये जमीन आसमां थम जाते हैं दो पल के लिए। हमको जमाना चाहे जिस मोड़ पे, हर युग में हम चले हैं जंजीरे तोड़ के। जब हो रैन अंधियारी या तूफान हो भारी, फिर हम दीवानों का मिलना देखिए। जमी आसमां हम जाते हैं तो पल के लिए। चल हीरामन ले। अरे पगला गई का, हंस क्यों रही है? हमें तो हाथ देखना आता ही नहीं। फिर तुझे ये कैसे पता चला कि मेरा एक भैया भी है? भैया नहीं तो वो फोटो किसका है? तू तो बड़ी चंट निकली। इस गांव में क्या कर रही है? इस गांव में हमारी दीदी रहती है, सुखदई। अरे बाप रे,
सुखदेई। अरे ज्योति आओ आओ। अरे ज्योति नजर न लगे, कब आई तू? बस सवेर वाली गाड़ी से आई। अरे ज्योतिया, अरे इतनी बड़ी हो गई हो, कैसी हो? अच्छी हो। अरे जाओ जाके अपना काम करो, ऐसा कमजोर मरद भगवान सौतन को भी ना दे। किसी काम में हाथ लगा दे। जाप देखो लड़ती रहती है, जाप देखो लड़ती रहती। अरे ज्योति अम्मा कैसी है? अम्मा, अम्मा तो गुजर गई। कहा कहा कह रही है तू? हाँ दीदी, अम्मा चली गई। मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हाय हाय हाय, एक का अनर्थ हो गया। अम्मा चली गई, मेरी ज्योति को अकेला छोड़ के चली गई। ये सब क्या हो गया? तेरी चिट्ठी भी नहीं मिली। अगर तेरी चिट्ठी मिली तो मैं वहाँ पर आ जाती। हे भगवान, अम्मा को ले जाना था। मेरा पिए छूट गया, मेरा मैकल छूट गया। अरे तू यहाँ बैठा कविता ही लिखता रहेगा या बाप के काम में कुछ हाथ भी बटाएगा? बताओ बापू मुझे क्या करना है? हाँ, मुझे तेरी बहन का रिश्ता पक्का करने जाना है। तू गुप्ता जी के लौंडे के बाल काटा जा। बापू तुम्हें मालूम है मुझे ये काम पसंद नहीं। तेरी इन्हीं बातों से तो हमारा जी जलने लगता है। तू अपने बाप दादा का काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? जिला कलेक्टर बनेगा? बापू अगर हर आदमी अपने बाप दादा का ही काम करता होता तो आज भी हम लोग पेड़ों पर रहते होते और पत्तियां खाते होते। सुबह सुबह हमारा सर मत फिरा, हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं। ले पकड़ पेटी और निकल यहाँ से जा। क्या बात है छेदी राम जी, आज सुबह सुबह रवि पे बरस रहे हैं आप। अरे चार किताबें कहाँ पढ़ ली, साला लाट साहब बन गया। कहता है बाप दादा का काम नहीं करेगा। अरे हम तो छोटे लोग हैं, बड़ों की सेवा करके ही जी सकते हैं ना। एक बात कहूँ छेदी राम जी, छोटे बड़े जन्म से तो पैदा नहीं होते ना, हम ही तो बनाते हैं। लो तुम भी रविदास हुआ जैसी बातें करने लगे। हमने लड़ाई का मैदान देखा है, लड़ाई में लोगों को मरते देखा है, उनका खून बहते देखा है। साफ बात कहूँ, हमें ना तो किसी के खून में कोई फर्क दिखाई दिया, ना किसी के दर्द में कोई फर्क दिखाई दिया। भाई तुम्हारी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हमें देर हो रही है। राम राम फौजी भाई। बेचारा रवि, बाल तेरे ऐसे रंग ढंग से काटूं तू भी याद करे, मेरी कला को देख के सारा गांव कहे श्री राम हरे। तेरे माथे पे जैसे आज उतारूं तेरे बाल, उतरेगी ऐसे ही सेठों की खाल किसी दिन मेरे लाल। दुखी ना हो, तेरे सर पर तेरे ही घर का नक्शा है। अरे अशरफी कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? सुनूंगा कैसे, कान में तो बाल है। बकबक बंद करो और अपना काम करो। अरे ना ना मुन्ना, महामहोपाध्याय वैयाकरण कवि जी महाराज से इस तरह उलट के बात ना करो। अरे इनके कारण तो अपने गांव की प्रतिष्ठा में चार चांद लगने वाले हैं। कौवा चला हंस की चाल, चांद पर थूकने चले हो। अरे मित्रवर रविदास तुलसीदास बनने चले हो। ऐसा ही होगा पंडित जी, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा मित्रवर, अवश्य होगा। लेकिन पहले केची के कर्तव्य चलाना सीखो, बाद में कलम के दिखाना। और अपने पिताश्री से कह देना कि पंडित जी अपनी बगल का मुंडन संस्कार कराने के लिए एक सप्ताह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कह देना छेदिया से। हाँ पंडित जी, मेरे पिताजी का नाम छेदिया नहीं, छेदी राम जी है। हम काम करते हैं, गांव भर से चुटकी भर आटा मांग के मोटे नहीं होते, और तुम्हारी तरह धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों की जेबें नहीं काटते। पाखंडी मुझे गाली देता है, मैं तेरा ब्रह्मांड फोड़ दूंगा। पंडित जी आप अभी अभी स्नान करके आए हैं, फिर से गोते लगाने का इरादा है? छोड़ दो मुझे, मैं साला नहीं। जीजा कहो जीजा, पर ये आपका जीजा भी कैसे हो सकता है? आप ठहरे ऊंची जात के। फिर भी मैं रवि से पूछ लेता हूँ। क्यों रवि, नहीं मुश्किल है पंडित जी? देखो शेर सिंह, इन लोगों का दिमाग खराब करने के लिए स्वर्गीय महात्मा गांधी बहुत थे। तुम अपने क्रांतिकारी विचारधारा को अपनी जेब में रखो, वरना वरना क्या। ए राम 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 राम, सत्यानाश हो रवि तेरा। ये तूने क्या किया, लड़के के बाल काटे या फसल काटी है? फसल कट गई गुप्ता जी, ले जाइए अपने घर ले जाइए। अरे क्या करो भाई ये तुम। अबे कितनी बार कहा कि किसी अच्छी दुकान पे बाल कटवाया कर, कहने लगा नहीं छेदिया पे कटवाऊंगा। उस साले
इन ओछी जात वालों ने तो गांव में रहना हराम कर दिया है। जयराम जी की लाला जी। अबे अपनी जयराम जी को अपनी जेब में रख। ये देख तेरे लौंडे ने मेरे अशरफी का क्या हाल कर दिया है। तेरे में बहुत चर्बी चढ़ती जा रही है। गाँव में रहना है तो अपनी औकात में रहे। और वो तेरा साला लौंडा बगल में थैला लटकाए दिन भर कविता बाजता फिरता है। उसको माफ कर दीजिए सरकार। अरे तुझे माफ करने से इसके बाल निकल आएंगे क्या? नमस्कार गुप्ता जी। अरे ये किसके लौंडे को उठा लाए? सुन रहा है पंडित, मेरे लौंडे को नहीं पहचान पा रहे हैं। पंडित जी क्या बताऊं? आपको तो मालूम है कि इसके लौंडे ने कैसे बाल काट दिए थे। शहर जाके अपने जीते जी इसका मुंडन करवा के आ रहा हूँ ताकि इसकी सूरत निकले, कोई पहचान तो सके इसको। शिव शंभो शिव शंभो, देख ली अपने बेटे की करामात। बस लोग कविता बाजते रहे तो कविता खाए भी कविता पिए भी, हम कोई हमेशा जिए वाले नहीं है, फिर का होगा? पर कोई समझे तब ना। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठी पगुराए। हम तो इस लौंडे को चार अक्षर पढ़ा के पछता रहे हैं, जब देखो कविता की लाठी भांजता रहता है। हमारी तो नाक कट गई भरी बिरादरी में। लोग तो यही कहेंगे ना कि छेदी राम के लड़के को बाल काटना तक नहीं आता। ए बाबू अब जाए भी दो, भैया ने अभी कुछ खाया भी नहीं। तू चुप रहे, भैया ने अभी कुछ खाया भी नहीं। हम अभी जूता खिलाते हैं श्रीमान रविदास नाई को। कह दे अपने भैया से कि खाने का शौक है तो चार डब्बल की कमाई करे, नहीं तो पेट भर ठंडा पानी पिए और सो जाए। रविदसवा पसीने में रोटी बोर के खाना सीख। उन्हें तो भड़कने का मरज है, भड़क न ले कोई पर तो खट्टी डिकार आए लगती है। पर अंदर से बहुत खुश होते हैं तुम्हारी कविता पर, अकेले रहते हैं तो गुनगुनाते हैं। चलो खा लो। मुझे भूख नहीं है। आप बितराओ मत भैया, अब मैं अपनी कमाई की रोटी खाऊंगा। अच्छा आज उधार खा लो, जब कमाने लगो तो हिसाब चुका देना। कह दिया ना मुझे भूख नहीं है। पर मुझे तो है। तुमने क्यों नहीं खाया अभी तक? मैं अकेले खाती हूँ कभी। हो गई लेकिन अभी तक सो रही है, तन बदन तक का भी होश नहीं। अरे उठ। क्या है दीदी, इतना अच्छा सपना देख रही थी, सोचा सपना खत्म होगा तो उठूंगी। हाँ बोल। अरे तनिक मुंह पर पानी के छींटे मार, दो हाथ झाड़ू के आंगन में लगा दे, जा। अरे ये गठरी रख के का कर रही है? इसमें का खजाना भरा है हा? जो रात भर इसको सिराने रख के सोती रही, इसमें गंदे कपड़े होंगे, जाके नदी पे थोला जा। अच्छा। अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, सारी दुनिया जग गई, उठो। क्या हुआ? भूचाल, भूचाल? भूचाल नहीं आया,
अब भी नहीं उठे तो आ जाएगा। सूर्य देव को निकले हुए एक घंटा हो गया, सवेरे वाली लोकल भी चली गई और तुम हो क्या अभी तक सोए हो। अरे सवेरे वाली लोकल का क्या भरोसा, ये तो कल वाली गाड़ी आज आई होगी। लो अब उठ गए, बोल बोल क्या करें बोल। अरे तुम जैसा सुस्त आदमी मैंने नहीं देखा। अरे सुबह सुबह अपना भट्टी जैसा मुंह तो ना फार। क्या कहा? अरे 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 बस 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 जा जा जा। हाँ ये हुई ना बात। मन मंदिर की देवी है जो, मन मंदिर की देवी है जो, मैं लिखता हूँ उसका नाम। बोल अरे बागों के पंछी, तुलाया उसका पैगाम। अरे तो किसी का पैगाम जरूर लाया होगा। हीरामन, मिठू, मिठू, हाँ ये मिठू तो है, इसके पंख हरे हैं और चोंच लाल है। ये मेरा है। हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये मेरी शरण में है। पर ये है मेरा। तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम तो ये भी कह दोगी कि मैं तुम्हारा हूँ तो क्या मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? इसका नाम हीरामन है, जब ये इतना सा था तब से मैंने इसे पाला है। ए हीरामन इधर आ, जाके बैठ गया है उल्लू की तरह। बिल्कुल मत जाना, ये तुम्हें उल्लू कहती है। तुम मेरा मिठू देते हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरा मिठू। ए, इतनी बड़ी होकर रोती हो? मिठू तो मैं तुम्हारा लौटा दूंगा, लेकिन पहले अपना नाम बताओ। ए, ठेंगा है मेरा नाम। बहुत अच्छा नाम है और तुम्हें जचता भी है। अच्छा तुम मत दो, मैं अपने जीजा को बुला खिलाती हूँ, वो तुम्हें ठीक करेंगे। देखा, अगर ये मेरा नहीं तो इसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अच्छा तो तुम्हारा नाम ज्योति है। लो ये लो अपना मिठू। हीरामन, चल हीरामन। अरे सुनो, रहती कहाँ हो? एक काम चोर अनाज के दुश्मन के घर के सामने। काम चोर अनाज का दुश्मन? और क्या, दोनों बकत ठूसता है और एक बकत भी काम नहीं करता, बस दिन भर कागज काले किया करता है। पर हम ये पूछते हैं कि उसे पढ़ाने की जरूरत ही क्या थी, हा? दो चार अक्षर पढ़ के उस तरह के अच्छा चलने लगे, हा? कविराज बना घूमता है साला, अपनी हैसियत देख के काम करना चाहिए ना। कई पीढ़ी से हम आपकी खिदमत गुजारी कर रहे हैं मालिक, रविदसवा को कहीं लगा दीजिए, वो भी आपकी सेवा करेगा। कई बार पहले भी आपको विनती कर चुके हैं। हमें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? उस तरह थमा उसके हाथ में, उस तरह। जी उसका तो जी ही नहीं है अपने बाप दादा के काम में मालिक, कोई और काम मिल जाए तो जरूर जी लगा के करेगा। चौकीदारी के काम में तो लंबर एक रहेगा मालिक। हाँ कविता लिखने की धुन में उसे रात को नींद आती ही नहीं ना। चल ठीक है, हमारी ज्वारी की फसल तैयार है, तीन चार दिन फसल पर चौकीदारी करने दे उसे। अच्छा फिर सोचेंगे। अच्छा जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जब कवि पहरा देगा तो चोरी नहीं हो सकती। जागते रहो। ये साला तो रात भर जागेगा भैया, कहो तो जमाए दो इसके सर पे लठिया, बेहोश हो जाएगा और सारी फसल काट लेंगे। हाँ ठहरो ठहरो ठहरो, इसे मैंने पहचान लिया, ये तो कवि है। कवि? कवि? हाँ। अरे जो गुड़ दिए मर जाए उसे लाठी से क्यों मारे भैया? सुन हाँ। वो नशे वाला पान और गोलियां लाया है? हाँ लाया हूँ। जागते रहो। सुन
एक पान देंगे, जैसे ही बखत मिले खिला देना। चलो। सांझ पड़ेगा ए दीवाना, लोगों कहीं सो न जाना, गली गली चोर घूमे जागते रहना। जय हिंद कवि महाराज। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। लेकिन आप लोग हैं कौन? मुसाफिर हैं भैया, पास के गांव के रहने वाले हैं। थोड़े दिन पहले रामपुर में हमने आपकी कविता सुनी थी। आहा, क्या कविता में आपके जादू है, क्या गाते हैं भैया। भैया हो जाए एक रसीली कविता। हाँ, लेकिन मैं यहाँ रखवाली करने आऊँ कि गाना गाऊंगा? ऐसी बातें करते हैं भैया। अगर आप गाएंगे तो हम लोगों की रात कट जाएगी और आपके खेत की रखवाली हो जाएगी, है? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, गाता हूँ। सांझ पड़ेगा ए दीवाना, लोगों कहीं सो न जाना, गली गली चोर घूमे जागते रहना। सांझ पड़ेगा ए दीवाना, लोगों कहीं सो न जाना, गली गली चोर घूमे जागते रहना। तेरी मेरी मेहनत साथी, फसल उगाए सोने की, मिला के माटी में रंगत खून पसीने की। तेरी मेरी मेहनत साथी, फसल उगाए सोने की, मिला के माटी में रंगत खून पसीने की। फसल पके तो कोई आए, सारा कुछ लेके जाए, गली गली चोर घूमे जागते रहना। लगे हर एक डाली यारा, खड़ी हो जैसे कोई बाला, पहन के मोती की माला, ओढ़े दो शाला। लगे हर एक डाली यारा, खड़ी हो जैसे कोई बाला, पहन के मोती की माला, ओढ़े दो शाला। डोल रही घूंघट में गोरी, ये घूंघट होना चोरी, गली गली चोर घूमे जागते रहना। अरे तू खलियान जिनका, वो दे तुझे चार दिन का, तेरे लिए काल है और माल है उनका। अरे तू खलियान जिनका, वो दे तुझे चार दिन का, तेरे लिए काल है और माल है उनका। ये रीत और ये जमाने बदले कब राम जाने, गली गली चोर घूमे जागते रहना। सांझ पड़ेगा ए दीवाना, लोगों कहीं सो न जाना,
गली गली चोर घूमे जागते रहना। सांझ पड़ेगा ए दीवाना, लोगों कहीं सो न जाना, गली गली चोर घूमे जागते रहना। सांझ पड़ेगा ए दीवाना, लोगों कहीं सो न जाना, गली गली चोर घूमे जागते रहना। ला 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 ला। अरे ठाकुर साहब आप? ए कवि महाराज, रात भर में ठाकुर साहब की पूरी फसल चर गए क्या? क्या कह रहे हैं आप? पंडित जी ठीक कह रहे हैं, वो देख। ये क्या हो गया ठाकुर साहब? रात को कुछ आदमी आए थे, उन्होंने मुझे कुछ पान में खिला दिया और मैं सो गया, और वो सारी की सारी फसल चुरा के ले गए। वो चुरा के ले गए या तूने चोरी से बेच दी? ठाकुर साहब हम मजदूर हैं, चोर नहीं। सारी जिंदगी मेहनत करके आपके पैसे वापस कर देंगे। तभी दसवा गलती हमारी है कि हमने तुझ जैसे छोटी जात के आदमी पर यकीन किया। अगर तेरी जगह कोई शरीफ खानदानी आदमी होता तो डूब के मर चुका होता। ठाकुर साहब आपको अपने पैसे और जात का इतना घमंड है कि आप खानदान तक पहुंच रहे हैं? वो वक्त दूर नहीं जब आपका खानदान आपसे खत्म होगा और मेरा खानदान मुझसे शुरू होगा। अरे ओ खानदानी, ये फसल के नुकसानी ठाकुर साहब तेरे बाप के खाल खिंचवा कर। पंडित मेरे बाप तक मत पहुंच, जितना मैं दब रहा हूँ उतना ही तुम सर पर चढ़े जा रहे हो। फसल चोरी हो गई है तो पुलिस में रपट लिखाओ और मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मेरे बाप का नाम मत लेना, वरना ना मैं बड़ा देखूंगा ना छोटा। सांप का बच्चा फन मार रहा है। रामदास। हाँ सरकार। अपने आदमियों से कहो कि उस सांप के बच्चे का फन कुचले। अब भी कहता हूँ सरकार। अबे इधर देख इधर। अबे ओ कवि के बच्चे, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और तू लिखता ही जा रहा है, हाँ? तेरी ये मजाल। अरे अब हम मार साले को, मारो मारो साले को। देखो मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, और अगर तुम लड़ना नहीं चाहता बच्चू। अरे ओ ठाकुर के चमचे, कह देना गांव की सारी ऊंची जात वालों से कि अब हम उनके और जुल्म सहने वाले नहीं हैं। साथ में ये भी कह देना कि हमारे हाथ सिर्फ कलम ही नहीं पकड़ते, वक्त आने पर लाठी उठा के जुल्म से लड़ भी सकते हैं, समझे? अरे बाप, नहीं अब फिर कभी नहीं ऐसा करूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। माफ करो, मुझे बचा लेता हूँ, माफ करो। खड़ा खड़ा देखेगा जा रहा है हमारी तरफ, हुईस की तरह बेसड़क काम चोर। पता नहीं पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो भगवान ने हमें कवि का बाप बना दिया। ए, का है? शर्म नहीं आती? जाओ
तेरे कारण हम गांव में मुंह दिखलाए लायक नहीं रहे। ये तो नहीं कि बहन का ब्याह सिर पर आ गया तो कुछ हाथ बटा है। हम पेर जाए अपनी हड्डी, तू तोड़े जा रोटी। ए, कहा चला काट का उल्लू? या इससे ना ही सुनेगा। ओ पुष्पिया, ये धन्ना सेठ को आज से खाना दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, आज दिलदार नगर में मेला लगने वाला है, चलेगी? चलूंगी, तो तुम मुझे क्या लेके दोगे? लड्डू खिलाऊंगा, लड्डू बस। पेपरमेंट की गोलियां भी खिलाऊंगा। हाँ, और क्या है? तो बोल बोल, कहा चाहिए? बोल बोल। मुझे घाघरा चोली भी दिलवा दोगे? घाघरा चोली? बाप रे, घाघरा भी और चोली भी? तेरी दीदी घर में तो नहीं है ना? हाँ, तो फिर ठीक है, घाघरा भी दिलवा दूंगा और चोली भी दिलवा दूंगा। अच्छा? पर इसके वास्ते मुझे गुरदासपुर जाना पड़ेगा। अरे चला जाऊंगा तेरे वास्ते, कहीं भी चला जाऊंगा। पर घाघरा चोली का नाप तो लेना पड़ेगा ना? मैं अपने पुराना घाघरा चोली दे दूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तो तेरा नया नया नाप लूंगा। इससे आजा 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 आजा। चीजा, यहाँ तक या और लंबा? थोड़ा और लंबा रखो, धोने के बाद सुकड़ जाएगा ना। हा? अच्छा अच्छा, ये ठीक है ना? हाँ, ये चलेगा। अब हाँ, कमर का हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे, शाबाश शाबाश। आई, ये कहाँ है? तिल है। चलेगा। गर्दन, अब बस यहाँ तक। अच्छा, अब बाकी सब ठीक है। असली नाप रह गया, उठाओ। क्या? हाथ उठाओ। साला हाथ लगाता है। अरे ओ चोर के बच्चे, खबरदार, जो हाथ लगाया तो हाथ छोड़ दे। क्या हुआ? मेरा नाप लो ना। अरे तेरा नाप मैं बाद में ले लूंगा, तेरी दीदी आ गई तो मेरा नाप मिलेगी। चीचा, मेरा हाथ दुख रहा है। अरे जा, भाग जा, मैं कहता हूँ भाग। ज्योति, ए ज्योति, मेरी बात सुन। क्या बात है? ये खाना मेरे भैया तक पहुंचा दे। क्यों, तू खुद क्यों नहीं ले जाती? आज बाबू भैया पर फिर भड़के हैं, अगर मैं ले जाऊंगी तो मुझ पर भी भड़केंगे। आ हा हा हा, और मैं ले जाऊंगी तो मेरी दीदी तो मेरी बहुत बड़ाई करेगी ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दे, मैं ले जाती हूँ। कंचन जैसे तन को धोने। अरे ए, ए, गांव माता पे हाथ उठाते हो? मेरी कविताएं खराब कर दी, सारी लिखावट फैल गई है। ऐसा लिखो क्यों जो फैल जाए। क्या कहा?
मैं कह रही थी ऐसा लिखो ही क्यों जो मिट जाए। हाँ तुम ठीक कहती हो, ऐसा लिखो ही क्यों जो मिट जाए। लिखना हो तो ऐसा लिखो जो समय के पत्थर पर तुम्हारे नाम की लकीर पड़ जाए। हो सकता है किसी दिन तुम्हारा नाम भी पत्थर पे लिखा जाए। तुम हाथी पे बैठ के आओ, लोग तुम्हें फूलों की मालाएं पहनाएं, तुम्हारे गीत गाएं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अच्छा अच्छा अब मेरे मुंह की छोड़ो, अपने मुंह की सोचो। तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी ना, लो खाना खा लो। अरे ये तो हमारे घर का है। पुष्पी की तो हिम्मत भी नहीं हुई खाना लाने की, बेचारी बहुत घिघी आई, कहने लगी 7 दिन तक तेरी गागर ढोऊंगी, मेरे भैया के लिए खाना ले जा। मैं चली आई, आओ खा लो अब। अब खा लो। लो देख क्या रहे हो, खा लो। मेरी पुष्पी होती ना वो। हाँ हाँ मालूम है, तुम्हें अपने हाथ से खिलाती। तुम्हें किसने बताया? मुझे उसने सब कुछ बता दिया। तो तुम भी मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। बुस्का, मैं क्यों खिलाऊ? अगर सेवा का इतना ही शौक चढ़ा है तो अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लो। ढूंढ ली है, तुमसे अच्छी लड़की इस गाँव में और कोई नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। अब क्या हुआ? इसमें तो नमक ही नहीं है। अब मैं नमक तो बन नहीं सकती, जरा चख के देखूं। घूर क्यों रहे हो? मेरा मन करता है कि तुम इस तरह बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। तुम्हें देखकर मेरी भूख प्यास सब मिट जाती है। बुस्का। ज्योति। अगर देखने का इतना ही शौक चढ़ा है तो तुम ब्याह करा लो, तो फिर रात को लालटेन जला के उसे सामने बिठा के आराम से रात भर उसे ताकते रहना। बिन पायल के छम छम करते, बिन पायल के छम छम करते, कौन चली ऐसी मतवाली। भूल भरी अब तक जो डगर थी, लगने लगी फूलों की डाली। छम 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 छम, बिन पायल के छम छम करती, कौन चली ऐसी मतवाली। भूल भरी अब तक जो डगर थी, लगने लगी फूलों की डाली। छम 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 छम, जल के दो नैना ऐसे लगे क्या कहना। काजल के दो नैना ऐसे लगे क्या कहना।
तेरे रूप कमल की जैसे दो भंवरे करते रखवाले छम 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 रंग तेरा यूं बरसे देख मेरा मन तरसे हो रंग तेरा यूं बरसे देख मेरा मन तरसे एक नजर की भीख इधर भी देख मेरी झोली है खाली छम 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 बिन पायल के छम छम करती कौन चली ऐसी मतवाली धूल भरी अब तक जो डगर थी लगने लगी फूलों की डाली छम 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 आइए आइए कवि महाराज जी आइए। चुप क्या के बच्चे तेरे जैसे लोगों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है और तो और इसके बाप का दिमाग भी खराब हो गया। अबे तेरा बाप मालिश करने क्यों नहीं आया? पुष्पी के ब्याह की तैयारी में भूल गए होंगे। अच्छा 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 तभी तो वो दरवाजे दरवाजे जाके भीख मांग रहा है ना। अरे भाई मांगेगा भी क्यों नहीं, जिसका जवान बेटा बेकार ने खत्तू हो उसे भीख तो मांगनी ही पड़ेगी ना। किशन लाल जी है तो आप बड़े आदमी लेकिन नीच काम करते करते आपकी जुबान भी नीच हो गई है। क्या कहा बे साले, मुझे नीच बोलता है? गुरु, उसका भाई भी आ गया। हाँ, शांति। हाँ। दुख भरे दिन बीते रे भाई। आ, 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 अरे रवि बखैर नहाए जा रहे हो, क्या बात है? दादा ये बैलों का घाट हो गया है, हम तो ऊपर जाके नहाएंगे। अबे लाल जी इतनी जल्दी गर्म मत हुआ कीजिए। गुरु ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। अबे इसे बोल हाल छोड़े वरना। ये फौजी के हाथ है इतनी आसानी से नहीं हट सकते। फौज में हमने दुश्मनों के कच्चे उतार दिए थे। अबे जा, वहाँ न जाने क्या क्या करता रहा इन हाथों से, चपाती बनाता रहा या बूट पॉलिश करता रहा या कपड़े धोता रहा। बताऊं क्या क्या करता रहा? अबे अर्जुन आशीष से मैं इसको कौन क्या खिला के रहूंगा? वो तो तू क्या खिलाएगा, वो तो तुझे मैं खिला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पुष्पी चलो गाड़ी तैयार है और लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे अरे रो क्यों रही है? रो मत, मैं तुझे जल्दी बुला लूंगा। भैया बाबूजी का ख्याल रखोगे ना? रखूंगा क्यों नहीं, एक बात और समझ लो भैया। बोलो। वो चाहे तुम पर जितना भड़के चाहे जितनी दम दे, वो तुम्हें हमसे ज्यादा चाहते हैं, तुम्हें उनकी जान अटकी है। क्या मुझे पता नहीं? चल अपने आंसू पोंछ, लाइए मुझे दे। अरे 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 अरे
तू भी है एक रंग का, तेरी तोती भी एक रंगी। मैंने पर वो तोती देखी जो है रंग बिरंगी। क्यों ज्योति? मुझसे मत बोलो जीजा। हाँ, अरे तू हमसे खफा है का? और क्या, नाप तो इतना जी लगा के लिया था, कहा है मेरा घाघरा चोली? अरे अरे उसने नाप भी पूरा कहा हुआ था, तेरी दीदी जो आ गई थी ना। अरे सुन, तेरी दीदी कहाँ? वो बाजार गई है। तो आप अभी जरा नाप पूरा किया दे तो। तू जरा पहले मुझे ये यहाँ से हसिया उतार दे, फिर एकदम जाके तेरा घाघरा चोली ले आता। सच्ची? हाँ बिल्कुल सच्ची। अच्छा कहाँ है? ऊपर है, ऊपर। तो फिर तुम खुद क्यों नहीं उतार लेते? मेरा साला हाथ ही ऊपर नहीं पहुँचता ना। ये देख। अच्छा, मैं पड़ोसन से सीढ़ी लेके आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तेरी दीदी का पड़ोसन से बहुत झगड़ा हुआ है। सच्ची? हाँ, एक काम करते हैं। क्या? मैं तुझे उठाता हूँ, तू हसिया को उठाना, बस काम खत्म है। अच्छा। अरे ध्यान से जीजा, मैं गिर नहीं जाऊं। अरे तू फिक्र मत कर, बड़ी मजबूती से पकड़े हो। यहाँ पर तो नहीं है। अरे ले, तुझे थोड़ा सा और ऊपर उठाता हूँ, कहीं कोने में होगा। यहाँ पे नहीं है। अरे अच्छी तरह से देख ले, जल्दी का है। अरे जीजा मेरे हाथ थक गए, मैं गिरने वाली हूँ। जीजा हसिया ऊपर नहीं है, मैं काम करने जा रही हूँ। बजरंग बली की जय। मेरी मजूरी। बड़कू भैया अब मेरी बारी है। तेरी? तेरे को तो मैं कल उठाऊंगा। कल तो हम मेले चले जाएंगे। अच्छा तू मुझे पहले बता, तूने आज खाया क्या है? दूध भात। थोड़ा खाया ना? बिल्कुल थोड़ा। अच्छा तू झूठ बोलती है, तूने थोड़ा नहीं बहुत सारा खाया है। नहीं बड़कू भैया, मेरी माँ बहुत खाती है और बहुत मोटी है, पर मेरा बापू तो उसे तीन तीन बार उठा के खटिया पर पटक देता है। हा? अच्छा आजा। जय बजरंग बली की। चलो चलो अपने घर जाओ। ए, तुम हंसी क्यों? मैं हंसी इसलिए कि इतना लंबा चौड़ा शरीर और एक छोटी सी लड़की को नहीं उठा सके। तुम मेरी ताकत का अंदाजा सिर्फ बच्चों के खेल से नहीं लगा सकती। तो फिर कैसे लगा सकती हूँ? चलो मैं अगर तुम्हें ही उठा दूँ तो। अरे जाओ जाओ, तुम मुझे नहीं उठा सकते। क्यों, क्यों नहीं उठा सकता? अरे छोटी सी बच्ची को तो उठा नहीं सके, मुझे क्या उठाओगे? अरे छोटी बच्ची को भूल जाओ, अगर मैं तुम्हें ही उठा कर दिखा दूँ तो। पक्का उठा लोगे? आ मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूँ। चल आ जा इधर, जल्दी आ। देखो मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, मैं बहुत भारी हूँ। अरे अपनी बक बक बंद कर और अपना पैर रख यहाँ। सच्ची आ जाओ। हाँ तुम फिर से सोच लो। हाँ मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बहुत भारी हूँ। हाँ हाँ जल्दी रख। देखो फिर से सोच लो। हाँ अरे रख ना। मैं रख रही हूँ, देखो। Ah!
मंजूरी? कल मेले में आना, मिल जाएगी। झूला पड़ी कदम की डाली, झूला पड़ी कदम की, झूला पड़ी कदम की डाली, झूला पड़ी कदम की डाली। अरे चीजा क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, झूला पड़ी कदम की डाली। ऐसा मत करो, मुझे गुदगुदी होती है। ओहो कोई बात नहीं, झूला पड़ी। अरे बंद करो, बंद करो, अरे बंद करो, अरे बंद करो भाई। अरे ज्योति, हाँ? कितने चक्कर लगाए? 25। दस 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 25 चीजा। अरे नहीं, 10 लगाए, 10। हाँ 25। अरे 10 लगाए, 10। हाँ चीजा, 15 तो तुमने मेरी कमर पे हाथ रख के लगाए थे, मिलके 25 हुए ना। ज्योति तू जा, मैं इसको संभालती हूँ। मैंने भात चढ़ाया है, तू सब्जी बना लेना, जा। हाँ बक बक नहीं कर। ज्योति, अरे बहरी हो गई है का? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ और तू सुनती नहीं? और ये का बजाय पतीली में डाले के सारी सब्जी जमीन पे डाल दी। दीदी मैं वो मैं क्या, चल हट यहाँ से, जा तू जाके झूला देख, मैं ये देखती हूँ ना जाने सारा दिन ध्यान कहाँ लगा रहता है। वो तो वो ऐसे और ये भी ऐसी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। देखो मेरा हीरा मन उड़ गया। अरे उड़ गया तो उसे ले आ पकड़ के। हाँ मैं जाती हूँ। हाँ।
देखो ये कौन आया, देखो ये कौन आया। मुझको उड़ा लाया, मुझको उड़ा लाया। देखो ये कौन आया, देखो ये कौन आया। मेरी सदा पे भूल के रास्ता, ऐ दिल ये कौन आया। मुझको देखो ये कौन आया, मुझको उड़ा जरा देखो। कुछ तो नहीं है, क्या जाने तुमको कैसा नशा छाया। देखो ये कौन आया, देखो ये कौन आया। मुझको उड़ा लाया, मुझको उड़ा लाया। किसकी सदा पे जो था वो था, मुझको
ला 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 अरे जीजा तुम कहाँ थे? दीदी तुम्हें ही खोजने गई है। आए गई ज्योति हाँ? तुझे पता है आज कहाँ है? क्या है? आज पूर्णमासी है। हाँ? पूर्णमासी को घर को सजाना पड़े। सजाने के लिए आम की पत्तियाँ चाहिए, आम की पत्तियों को काटने के लिए हसिया चाहिए। हसिया ऊपर है, मैं तुझे उठाऊंगा, तू हसिया को नीचे उतारेगी। हाँ नहीं जीजा, हसिया ऊपर नहीं है, अभी उसी दिन तो इतना खोजा था। अरे अरे तूने अच्छी तरह से कहा खोजा था उस दिन? चल वो कहीं कोने में पड़ा होगा, तू चल मैं तुझे उठाता हूँ। आजा आजा। मैं नहीं उतारूंगी। अरे कहाँ हो ज्योति? मुझे छुओ मत जीजा। अरे अरे पगला गई ये क्या? उस दिन मैंने तेरा नाप ले लिया था हा? और फिर उसने तुझे ऊपर भी उठाया था। अरे तू तो बच्ची है अभी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ जीजा। वो तो बड़ी हो ही गई है, लेकिन जीजे लोग तो सालियों के साथ मजाक करते ही है ना। मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता है। ज्योति नहाती लड़की को निहारते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो उस फूल की जड़ हूँ, फूल खींचोगी तो जड़ जरूर बाहर आएगी। अरे बाप रे मौसी आ रही है, अगर उसने हम दोनों को देख लिया तो वो मेरी दीदी से कह देगी। तुम कुछ करो। मैं क्या करूँ? तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाओ, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। अरे ज्योतिया जरा सुन तो। हाँ? सुखदैया से कह दीजो कि जरा हमरे घर हुई जाए। हाँ। समझे? हाँ। हाँ। जरा कुछ काम है। अरे हाँ हम तो भूल ही गए। अरे सुन, आज तो हम बाजार जा रहे हैं, कल भेज दियो, समझे? हाँ हाँ कह दूंगी ना। हाय दैया तेरा दिमाग तो नहीं चल गया रे, जो कोनो तरीका है बात करे का। अब जाए दो चाची। अरे कहाँ जाए दो, तुम्हें बहुत देर पानी के अंदर रहना पड़ा, मैं तो डर गई थी, मौसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम ठीक तो हो ना? अरे बाप रे जीजा आ गए। पानी के अंदर जाओ जल्दी। अब मैं ज्यादा देर तक सांस रोक के नहीं रख सकता, अब तुम अंदर जाओ। अच्छा ये कौन सी गुरु है, हम भी देखें। देख ले बेटे देख ले, अबे तू भी क्या याद करेगा किस लाल साहब से फाला पड़ा है।
चल तुझे भी चिखा देते। अच्छा तो फिर थोड़ी सी हो। हाँ तो शाम को आ जाना। गुरु अगर पीनी है तो फिर शाम तक क्या इंतजार करना, आंख बंद कर लो और शाम हो गई। गुरु अबे साले इसे ऐसे नहीं पीते, इसे पानी के साथ मिला के पीते हैं। हाँ। अच्छा गुरु आप यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। अबे ठहर जा, रुक जा साले, ना जाने पानी में क्या क्या होगा। क्यों भाई पानी में कुछ है क्या? मालूम नहीं। अबे पर ये पानी के साथ वलायती शराब है, कहीं इसके साथ पी तो बुरा ना मान जाए। इसे सोडे के साथ पीना चाहिए। ऐसा करते परवारी की दुकान पे चलते हैं, वहाँ सोडे के साथ पिएंगे, कुछ खाएंगे और फिर रॉयल टॉकीज में जाके बाइस्कोप देखेंगे। चल बच्चा चल। ज्योति गुप्ता जी, ये तुम्हारी भांजी का अब क्या हाल है? क्या बताएं ठाकुर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। जब से ससुराल से आई है हल्दी की तरह पीली पड़ गई है, न कुछ बोलती है न चलती है, कुमसुम सी रहती है। किसी वैद्य को दिखाया? अजी वो वैद्य क्या करेगा दयालु, हम जानते हैं किसी ने जादू टोने का मुठ मारा है। हम ऐसा उपाय बताएंगे, ऐसा उपाय बताएंगे। ज्योति ज्योति कैसा बुद्धू बनाया। ज्योति ज्योति अभी बताता हूँ। पंडित जी क्या हुआ? पंडित जी देख रहे हो ठाकुर साहब, दिन दहाड़े छिपा छिनाला। ज्योति की बच्ची मैं तुझे बहुत मारूंगा। पकड़ तो सच में मारोगे क्या? कामदार। हाँ सरकार। पकड़ा उन दोनों बेशकों। अब भी पकड़ के लाता हूँ सरकार। शिव शंकर कैसे बताऊं पंचो, जवानी की राम कटोरी ज्योतिया बिचारी भागी जा रही थी और ये दुष्ट चील झपट्टे की तरह उसके पीछे भाग रहा था। ये तो हम लोग ठीक समय पर पहुंच गए, वरना बिना मृदंग के नाटक समाप्त हो जाता। मेरे विचार से पंचो इस मामले पर काफी विचार हो चुका है, अब फैसला सुना दीजिए। इस तरह सर झुका के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, समाज का सुधार उधार सब समझे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये बदमाश हम जैसे शरीफ आदमियों की बहु बेटियों को ताके झांके। अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो हमें आज्ञा दीजिए, हम इस कवि के बच्चे की हड्डी पसली कर देंगे। हड्डी पसली मैं भी तोड़ सकता हूँ। खाम का बेचारे पर तो हमत लगा रहे हो, इस गांव में और भी तो लड़कियां हैं, इसने कभी किसी को छेड़ा है? ये कोई पागल नहीं जो इसके पीछे भाग पड़ा? देखिए ठाकुर साहब, इससे पहले कि आप कोई गलत फैसला सुनाएं, एक बार ज्योति को यहाँ बुलाकर जरूर पूछ लीजिए। कोई बुला के तो देखे हमारी घरवाली की बहन को, खून की नदी बहा दूंगा। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं किशनलाल, बैठ जाओ भाई। हाँ रे रवि दसवा,
क्या तू इनकार करता है कि तू ज्योति के पीछे नहीं भाग रहा था? क्या हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं? बोल, जो कुछ हमने देखा क्या वो गलत था? बोलता क्यों नहीं? रवि, कह देना ये सब झूठ है, बोल दे साफ साफ। नहीं दादा, ये सच है, मैंने ज्योति को सच्चा प्यार किया है। अजय, इसके पास बोलने के लिए रखा क्या है सिवाय नीचे देखने के? ये नीचे देखने का वक्त नहीं है रवि, सारे गांव की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का वक्त है। मैं जानता हूं तू सच्चा है, पर हर आदमी को अपना सच खुद बोलना पड़ता है। कह दे कि तू सच्चा और ये सब बकवास कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये इतना ही सच्चा है और इसका मन इतना ही साफ है, तो क्या ये भरी पंचायत में ज्योति से राखी बंधवाने को तैयार है? मेरा सच इन ऊंची जात वालों से बर्दाश्त नहीं होगा, बल्कि ज्योति की मांग में कलंक का सिंदूर भर देगा। कह दे, कह दे ज्योति तेरी बहन है, बनवा ले उसे राखी। हरगिज़ नहीं, मैं तो ज्योति से ब्याह रचाऊंगा। देख लिया फौजी महाशय, इस लड़के के दिल का मैल ज्योति को बहन तक बनाने में शर्मा रही है। अरे ये बोले तो तब ना, जब इसने कुछ ना किया हो, पापी की जबान थोड़ा ही होती है। ठाकुर साहब, अब फैसला सुना दीजिए। हाँ श्रीराम, हमें बहुत दुख है, हम चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे बेटे ने पाप किया है, उसे उसका दंड मिलना ही चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसे मामलों में पंचायत का क्या फैसला होता है, तुम्हें उस फैसले पर अमल करना ही होगा। पंच परमेश्वर, हमें इस धर्म संकट में मत डालिए, इसकी सजा हमें दीजिए, हमारा सर मुंड दीजिए, हमारा मुंह काला कीजिए, लेकिन हमसे यह काम मत कराइए। बापू, इनके सामने मत गिड़गिड़ाओ। अगर तुम भी समझते हो कि मैंने अपराध किया है, तो तुम्हें धर्म संकट से बचाने के लिए मुझे कोई भी सजा मंजूर है। कटवा दी इस लड़की ने गांव भर में, आज तो पैर ही चलाया है, मगर आज के बाद उस मुए का नाम लिया तो सारा जिस्म जला डालूंगी। हाँ। अरे इससे क्या होगा, जलाना है तो इस कमबख्त की जबान जला, जो बार बार कतर कतर करती रहती है कि शादी करूंगी तो उसी लौंडे के साथ करूंगी। अरे करना ही है ना, तो इसकी जबान पर गरम गरम तेल डाल, तब जाके ठीक होगी। यहाँ
मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कारण हुआ है। तुम जो सर उठाकर जीना चाहते थे वो मेरी वजह से झुक गया। मैं अपने आप को कैसे माफ कर दूं? ये बेदर्द दुनिया हम दोनों को कभी साथ जीने नहीं देगी। चलो हम दोनों कुछ खाकर साथ मर जाएं। कभी नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। मैंने तुम्हारे साथ जीने का सपना देखा है और ये सपना पूरा किए बिना मैं मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो उठो तो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं सवेरे वाली गाड़ी से शहर जा रहा हूं और एक दिन इसी सवेरे वाली गाड़ी से लौटूंगा और तुमसे ब्याह करूंगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो रवि। नहीं, लोग इसे भागना कहेंगे, कहेंगे ज्योति रवि के साथ भाग गई। ना, मैं तुम्हारे इस माथे पर सुहाग की बिंदिया देखना चाहता हूं, भागने का कलंक नहीं। और फिर जिन गांव वालों ने मेरा अपमान किया है उन्हें यह भी तो बताना होगा कि उन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए था। उन्हें यह बताने के लिए मुझे लौट कर आना ही पड़ेगा। पर मैं तुम्हारे बिना यहाँ मर जाऊंगी, मर जाऊंगी रवि। तुम्हें मेरे लिए विरह के इन दिनों का विष पीकर भी जीना पड़ेगा। सवेरे वाली गाड़ी जो मुझे ले जा रही है तुम्हारे लिए मेरा संदेशा लाएगी और तुम्हारा संदेशा ले जाएगी। इस गाड़ी का आखिरी डिब्बा हमारा दूत बनेगा। खाना नहीं खाया। अरे खाना खा ले जन्म जली, काहे को मुंह फुलाए बैठी है? हाँ, आग लगे उस मुए की जवानी को, सास सनीचर की झाड़ू फिरे उसके मुंह पे, सत्यानाश हो उसका। सारा दिन उसी के सपने देखती रहती है। Thank you.
पार्टनर, हाँ देख वो आ रही है, उसके हाथ में जेवर का डिब्बा भी है। रेडी? ओह नो यार, मैं उस घुंचू कहानीकार से हरगिज शादी नहीं करूंगी। जब देखो कहानी कहानी कहानी, मैं तो सुहाग रात में ही बोर हो जाऊंगी। मुझे तो कोई डैशिंग यंग मैन चाहिए जो मेरे डिफेंस में लड़ तो सके। हाँ ओके, अच्छा बाय, आज शाम को मिलेंगे। बाय। अरे चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो, चोर पकड़ो पकड़ो चोर चोर। यही है वो लड़का जिसने पांच पांच गुंडों को ठीक कर दिया। बहुत बहादुर हो बेटा, ले लो चाय पियो। लीजिए ना। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हें तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये लो तुम्हारा इनाम, खुश रहो। ले लो बेटा, क्या ये कम है, और चाहिए? जी नहीं, इन्हें भी आप ही रख लीजिए। क्यों क्यों बेटा? इसलिए कि इस इनाम और भीख में कोई फर्क नहीं है जानकीदास जी। शायद आप बुरा मान गए। बिल्कुल नहीं, दरअसल मुझे काम की जरूरत है रमा जी, भीख की नहीं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आई लाइक यू वेरी मच मिस्टर। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? जी रविदास। ओ रविदास, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वैसे तुम करते क्या हो? जी फिलहाल तो मेरा काम तलाश करना है। वैसे मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। अरे वाह, नेकी और पूछ। शायद आपको पता नहीं कवि महाराज, हमारे डैडी का एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, इनके कई मैगजीन्स निकलते हैं। सच? हाँ, लेकिन डैडी के साथ एक प्रॉब्लम है। जब तक ये तुम्हारे कविताएं सुन नहीं लेंगे, तब तक तुम्हें कभी मानेंगे ही नहीं, है ना डैडी? मेरी बेटी ठीक ही तो कह रही है, मुझे भी मौका दो सुनने का।
आपको कागज और पेंसिल चाहिए? नहीं, कविता दिल के पन्नों पर लिखी जाती है। दिल का ही कोई पन्ना पढ़ के सुना देता हूं। आज है नगर नगर जुल्म का डेरा, जालिम को कब तलक छुपाएगा अंधेरा। रात है उसकी तो हमारा है सवेरा, अभी तो वो सुबह तलक जिएगा। तेरा लहू मेरा लहू पिएगा, फूटे किरण समझो उसे मौत में घेरा। रात है उसकी तो हमारा सवेरे वाली गाड़ी।
अरे आप, मैं तो आप ही से मिलने जा रही थी। और मैं आपके डैडी से मिलने आ रहा। डैडी तो घर में नहीं है। नहीं है? क्यों, कोई खास बात है क्या? मुझे कुछ पर्सनल काम था, अर्जी लिखी है। मैं भी तो सुनूं दरखास्त क्या है। मैंने आपके डैडी को लिखा है कि कल मुझे पहली तनख्वाह मिलने वाली है, अगर वो मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहूंगा, नहीं तो फिर मुझे वहां जाकर। बस बस बस, डैडी की तरफ से मैं आपकी अर्जी नामंजूर करती हूँ। मगर किस लिए? इसलिए कि अगले हफ्ते उनकी लाडली बेटी का यानी मेरा जन्मदिन है, और ठीक उसी दिन डैडी एक ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसे सुनकर आप खुशी से नाच उठेंगे। देखो पहले यह मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बता दो कि बात क्या है। इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। हाँ इतना बता सकती हूँ कि डैडी ने कैसे सुंदर सुंदर सपने सजा रखे हैं आपके लिए। अगर आप यहाँ से चले गए तो उनके साथ साथ किसी और का भी दिल टूट सकता है। ज्योति, अरे ज्योति, अरे देख रही हम शहर से तेरे वास्ते कहाँ कहाँ लाए हैं? देखिए चूड़ियाँ लाए हैं, हार लाए हैं और लिपस्टिक भी लाए हैं। इससे तेरे गुलाबी पंखड़ियों वाले होंठ और भी लाल हो जाएंगे। हाय हाय, पता है कल रात को तू मेरे छपने में आई थी, बड़ी बड़ी शरारते कर रही थी। अरे जालम, ऐसी ऐसी शरारत जगह में भी तो कर। अरे अपनी दीदी की फिक्र मत कर, कहा वो बासी खीर, कहा तू मोदी चूर का लड्डू। किस तरह के आदमी हो तुम? तू 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 यहाँ कैसे? यहाँ तो छोटा लड्डू सोता था, बड़ा लड्डू कैसे आ गया? शर्म नहीं आती तुम्हें एक कुंवारी लड़की के साथ ऐसी बातें करते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है, वो मेरी साली है और साली आधी घरवाली होती है, और मैं तो उसके साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे। गलती मेरी है, जहाँ गुड़ होगा वहाँ चीटे तो आएंगे ही। चल अपना मुंह बंद कर, सवेरे वाली गाड़ी की राह मत देख, वो तेरे नसीब में नहीं है। इतनी बात समझ ले, अगर आज बात नहीं बनी तो तेरे और मेरे हम दोनों के भाग फूट जाएंगे। मौसमी वो लोग आ रहे हैं। चल अब रोना बंद कर, उठ। अरे अरे मान्यवर किशन लाल जी, अरे आप यहाँ बैठे हुए औजार को तेज करा रहे हैं और उधर घर पर आपके होने वाले साडू भाई आपकी साली को देखने के लिए आए हुए हैं। कहाँ बात करते हो पंडित जी? अरे चौक क्यों गए, साली से अभी तक बात नहीं पटी क्या? खैर पंडित जी, हजार कोशिश की अपनी तो दाली नहीं गलती, वहाँ साली बीवी आ जाती है ना। अरे दयालु, बीवी से पीछा छुड़ाने का रास्ता मैं बताता हूँ। पंचायत बुलाओ और कहो कि पंच परमेश्वर, मेरी बीवी बच्चा नहीं देती। कहो बेटे, लड़की कैसी है, पसंद आई? ये उम्र ऐसी होती है, सभी शर्माते हैं। लल्ला अगर अपने मुंह से कह देते कि लड़की पसंद है तो जी खुश हो जाता। अरे कहा लड़कियों जैसा शर्मा रहा है, बोलना लड़की अच्छी है। मिठाई
अच्छी है। कुछ समझे? लड़के को जो कुछ कहना था कह दिया, बात बिल्कुल साफ है, लड़के को लड़की पसंद है। अरे इस बूढ़े को तो हम जाने हैं, जो भी बोले हैं ठीक ही बोले हैं। अरे उधर उधर ज्योति, ये लोग आ रहे हैं, हाथ धुला देना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कह दो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी। मैंने किसी को वचन दिया है, मैं उसका इंतजार करूंगी, तेरे भी उसी के साथ लूंगी। यहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पंच परमेश्वर से हमारी अर्ज ये है कि हम कब तक इस बंजर जमीन को अपने कंधे पर उठाए उठाए जिए। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे खानदान की फसल उगे, लेकिन 10 साल की शादी के बाद भी इस भगवान ने एक चूजा तक पैदा नहीं किया। इसी वास्ते पंच परमेश्वर हमें ये इजाजत दे कि हम इसकी छोटी बहन ज्योतिया से शादी करें। ए, किसने? बैठ जा भाई, उतावली ना कर भाई, बैठ जा। इसकी छोटी बहन से शादी कर सके संतान की खातर। और हमारा ये वादा है कि हम इन दोनों बहनों को बड़े मजे से रखेंगे, साथ साथ एक ही घर में। सुखदेवी, इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है? बहुत कुछ कहना है पंच परमेश्वर। हम सुखदेवी समझकर फैसला मत कीजिए, बस हमें अपनी बहू बेटी समझकर फैसला कीजिए। ये कह दीजिए कि हम अपनी छोटी बहन को संख्या खिला दे और खुद खा ले, हम ये फैसला मान जाएंगे। हम दोनों की चिता जलाने के बाद चाहे ये दूसरा ब्याह रच जाए या तीसरा, पर हम अपने जीते जी अपनी कलाई की चूड़ियों में साझेदारी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पाया, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मेरी राय से किशन को दूसरा विवाह करने की आज्ञा मिलनी चाहिए, क्योंकि वंश चलाने के लिए उत्तराधिकारी आवश्यक है। उत्तराधिकारी चाहिए है? इस बात की क्या गारंटी है कि ये दूसरी बीवी से बच्चा पैदा कर सकता है? और इस बात को भी कैसे मान लिया जाए कि संतान पैदा ना करने में बेचारी सुखदेवी का दोष है? इस किशनलाल में भी तो कमी हो सकती है। पंच परमेश्वर, इस आदमी को ये सब बकवास करने की इजाजत किसने दी है? तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया है? इसे किसने अधिकार दिया है? शांत, देखिए हम यहाँ किसी के दोष निकालने के लिए नहीं बैठे, पर किशनलाल, मान लो सुखदेवी ने अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देने से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगे? तो फिर मजबूरन मुझे उसे तलाक देना होगा और घर से बाहर निकालना होगा। अरे रे रे, इतना जुलम ना करो किशनलाल जी बेचारी पर। देख सुखदेवी, जल्दबाजी करना ठीक नहीं, इस उम्र में तू जाएगी कहाँ? अरे बिना पति के ये संसार नरक है नरक, और जब तेरी छोटी बहनी सौतन है तो तुझे डर किस बात का? वाह वाह, क्या कौड़ी लाए हो गुप्ता जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। माफ कीजिए, आपकी बड़ी बेटी के भी 15 साल से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप अपनी छोटी बेटी का हाथ अपने जवाई के हाथ में दे दीजिए ना। अजीब खोपड़ी का आदमी है, मेरी बेटी का किस्सा कहाँ से आ गया यहाँ पे? अब अपने ऊपर बात है तो बुखला उठे। अजी, गांव की बहू बेटियों के भी अपनी बहू बेटियां समझिए गुप्ता जी। भाइयों, ये सर फिरा आदमी है, इसकी बातों में मत आना, पंचायत में कैसे बात की जाती है इसको तमीज नहीं है। आपको क्या तमीज है? तुझे क्या तमीज है? चुप रहिए आप, तू चुप रहे। शांत शांत फौजी बैठो। देखिए हम यहाँ फैसला करने के लिए जमा हुए हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। सुखदेवी, अगर तुम किशनलाल की बात नहीं मानोगी तो किशनलाल शादी कर लेगा और पंचायत इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपकी पंचायत का यही फैसला, तो ये फैसला मुझे मंजूर नहीं, और मैं देख लूंगा ज्योति की शादी इससे कैसे होती है।
अजीब घन चक्कर आदमी है, हर जगह अपनी नेतागिरी बताता। बिल्कुल ठीक कहा है पंडित जी आपने। बस 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 गुप्ता जी, देखो सुखदेई, तुम भी कल तक अच्छी तरह सोच विचार कर लो, वरना पंचायत को परसों तक मजबूर होकर फैसला सुनाना पड़ेगा। ये कहाँ तो डंकी लगा रखी है तुम दोनों ने? हाँ, आज घर में खाना नहीं पकेगा ना, और ना ही कोई काम काज होगा। अरे कैसे होगा, तुम दोनों तो शोक मना रहे हो ना। मना लो शोक, मना लो, सिर्फ एक ही दिन रह गया है, बस कल पंचायत का फैसला सामने आ जाएगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। अरे कुछ भी कर लो, देख लेना, ज्योति की बाग में सिंदूर मैं ही भरूंगा। हम जाते हैं दो पल के लिए।
जब दो प्यार मिलते हैं तन में फूल खिलते हैं मन के मंदिर में जल जाते हैं दिए ए जमी आह 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 आसमां आह 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 हम जाते हैं दो पल के लिए। माधवपुर में बहुत जोर की आंधी और बरसात आई है और अपने बांध में इतना पानी जमा हो गया है कि किसी भी वक्त बांध टूट सकता है। मालिक क्या बकवास करता है, 50 साल की जिंदगी में ना मैंने ऐसा देखा ना सुना। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, माधवपुर के लोगों ने अपने बांध का पानी भी हमारे ही बांध की तरह मोड़ दिया है और तो और छोटे मोटे ताल तलियों का पानी भी अपने ही बांध में अगर गिर रहा है मालिक, अगर हमारा बांध टूट गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी मालिक। अच्छा क्या तूने मुझे बता दिया, मैं भी देखता हूँ। क्या बात है, क्या प्रसाद? आसमान फट पड़ा है मालिक, अपने गांव की नदी में बाढ़ आ गई। हाँ। दो गांव डूब गए, 3 बिल्कुल बह चुके हैं मालिक। माधवपुर के सब लोग आकर हमारी पाठशाला में डेरा डाल चुके हैं मालिक। हाँ सरकार, बांध का पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, अगर बांध टूट गया तो सारा गांव पानी में बह जाएगा सरकार। हाँ। ऐसा करो भाग के जाओ और सारे गांव को खबर कर दो कि पंचायत होने वाली है। अच्छा चलो चलो। क्या हुआ बाबूजी, बोलिए ना क्या बात है? ओहो कुछ नहीं, तुम लोग फिक्र मत करो और चलो अंदर चलो। सरकार बांध की दीवार में दरारें पड़ गई है, बांध कभी भी टूट सकता है। तुम वहीं रहो और थोड़ी थोड़ी देर में हमें खबर देते रहो। अच्छा सरकार। किशनलाल, अगर कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम सब डूबकर बेमौत मारे जाएंगे। मेरी राय तो ये है कि हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। अजी गांव छोड़ना इतना कोई आसान है, हजारों का माल मेरे गोदाम में पड़ा है। अगर आप लोग आज्ञा दें तो एक उपाय मैं बताता हूँ। तो बोलिए ना। आज से 50 वर्ष पूर्व इसी प्रकार की विनाशकारी वर्षा हुई थी। उस वक्त गांव वालों ने एक अष्ट भवानी देवी माँ की तांत्रिक पूजा की थी। उस पूजा के कारण एक परिवार को कष्ट अवश्य हुआ था लेकिन पूरा गांव विनाश से बच गया था। मेरी राय है कि वही तांत्रिक पूजा हमें करनी चाहिए। तो फिर पंडित जी जल्दी से वो पूजा कीजिए ना। सारे गांव को दुख से बचाना ही होगा। हाँ गुप्ता जी, सारे गांव को दुखों से बचाने के लिए कौन सा ऐसा परिवार है जो तैयार नहीं होगा। जय माता की। पंडित जी नमस्कार नमस्कार। आइए विराजे। शिव शंभो आइए। कहिए श्रीमान गुप्ता जी, ऐसी भयानक बरसात में कैसे आगमन हुआ? पंडित जी बात ही कुछ ऐसी है, ये जो आप पर्चियां बना रहे हैं पंचायत के लिए, इसमें अगर मेरी बेटी कलावती का नाम निकल आया और उसे नंगी होकर पूजा के लिए सारे गांव में घूमना पड़ा तो उसका ब्याह करना कठिन हो जाएगा और मैं बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अगर आप चाहें तो पंडित जी। शिव शंभो गुप्ता जी, शुभचिंतक के होते हुए किसी परिचित मित्र की बच्ची का नाम नहीं निकलेगा। बात बाहर नहीं जाए, हमने हर पर्ची पर एक ही नाम लिखा है, ज्योति ज्योति। तो भाइयों, हमारे कल के फैसले के अनुसार गांव की सारी कुंवारी लड़कियों के नामों की पर्चियां इस गगरी में डाल दी गई हैं।
अब जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे ही तांत्रिक पूजा करनी होगी। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं? ये तांत्रिक पूजा है क्या, मुझे बताएंगे? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हाँ, कल जब इस बात का फैसला किया गया था तो तुम कहाँ थे? कल कहीं भी था, आज तो यहाँ हूँ, मुझे पूछने का पूरा हक है। ये धार्मिक विधि है फौजी, इस मामले में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। ये आदमी हर मामले में टांग अड़ाता है जी। शांत शांत भाइयों, फौजी मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस तांत्रिक पूजा में जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे गंगा जल, गौमूत्र और दूध से नहलाया जाएगा, और ये कन्या सुबह होने से पहले हाथ में मशाल लेकर वस्त्रहीन होकर गांव के 7 चक्कर लगाएगी। फौजी ये कोई नई बात नहीं, इसी गांव में 50 साल पहले ऐसा हो चुका है। मैं नहीं मानता, देवी माँ किसी कुंवारी लड़की को नंगा देखना चाहेगी। और फिर इस बारिश से इस पूजा का क्या संबंध है? आस्तिक लोगों के समाज में ये नास्तिक कहां से आ गया? मैं भी इस गांव का रहने वाला हूं, और इस गांव की सारी कन्याएं मेरी बहनें हैं, मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे जब गांव की लड़कियों के असली भाइयों को एतराज नहीं, हाँ। तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? पंडित जी शुरू कीजिए काम। मैं गंदा काम नहीं होने दूंगा। अरे सुना सुना डॉक्टर साहब, आपने पंचायत के मामले में तो बोलता ही था, अब ये धर्म के मामले में भी दखल देने लगा। जरूर दखल दूंगा, मैं इस गांव में किसी को गलत काम नहीं करने दूंगा। आपने सुन लिया भाइयों? सुनिए, मैं देख रहा हूँ कि फौजी की वजह से पंचायत के कामों में काफी रुकावट पड़ती है, इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि फौजी को इस आंधी तूफान में इसी वक्त गांव से निकाल दिया जाए। तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं खुद ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसे गांव में रहना ही क्या जहाँ आज भी तांत्रिक विद्या की बात होती हो, और जहाँ धर्म के नाम से बहु बेटियों की इज्जत की बलि दी जाती हो। ला देता है तुम सब पे। नास्तिक चला गया है, धार्मिक कार्य प्रारंभ किया जाए। अरे जाने दीजिए, उसी परवाह कौन करता है। हाँ। शुरू कीजिए। महादेव की चोटी से बात हुई तो हमारी बात पैकी, इसमें से एक चिट्ठी निकाल। पान पान से बांधो, फूल फूल से बांधो, महादेव की चोटी से बांधो, जो हमारी बांधी ना बंधे। देवी माँ की कृपा, किशनलाल, देवी माँ की कृपा। तुम्हारी साली ज्योति, कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ? गांव। क्या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकती हूँ? मुझ पे तुम्हारे बहुत एहसान है रमा, लेकिन अधिकार किसी और का है। जिन कविताओं के छपने पर तुम खुश हो रही हो ना, वो उसी की देन है, इसलिए मुझे गांव जाना बहुत जरूरी है। मगर तुम इतना समझ लो कि मैं जहां भी रहूंगा तुम्हें हमेशा इज्जत से याद करता रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। सारे गांव वाले ज्योति की जान मांगे तो मैं अपने सीने पर पत्थर रख लूंगी और इसे मरने के लिए भेज दूंगी, पर इस काम के लिए इस तरह ज्योति को मैं कैसे भेजूं? कैसे भेजूं? सब गई, हम छोटी सी थी, इसी तरह खूब बरसात हुई और खूब कोहरा मच गया। मेरी बहन कम्मू का नाम निकल आया, बेचारी गांव भर में घूमी। हाँ बहनी, और सवेरा होते ही पानी थम गया और कम्मू का बड़ा नाम हुआ। कुछ भी हो, एक लड़की का इस तरह गाँव में घूमना ये तो सोचना भी कठिन है। चुप रहे, तेरी जबान बहुत चले है, बखत भी ना देखे। ज्योति बिटिया, ये तो बड़े पुन का काम है। देख, जब कोनो लड़की नंगी घूमे है तो कोई देखे थोड़े ही है, सारे दरवाजे सब खिड़कियां बंद हो जाते हैं और फिर सारे मरद घर के अंदर बैठ जाए हैं। बिटिया तू तो सती अनसुईया बन जाइयो। अरे उसने तो सारे देवतन को बच्चा बना दिया था, पर तू सबको बच्चा समझ लीजो बस। ज्योति,
ये तो गांव के जिए मरे का सवाल है। ये तो ऐसा है जैसे घर के पिछवाड़े कोई नंगा नहाता हो। देवी माँ हमारी पूजा से खुश हो गई है, अब हमें ये पूजा बंद कर देनी चाहिए। हाँ हाँ किशनलाल जी ठीक कह रहे हैं। हाँ। सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। चुप शिव शंभो क्या प्रचंड मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। अरे अगर पूजा अधूरी रह गई तो देवी माँ रुष्ट हो जाएगी और प्रलय हो जाएगी। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, पूजा बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किशनलाल स्वार्थी मत बनो, हम सब जानते हैं कि ज्योति तुम्हारी साली है, पर पूरे गांव का भला सोचो। जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं पूजा पूर्ण होनी चाहिए। भाइयों हम सब लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, जाकर खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे। एक बात याद रहे, कोई भी आदमी बाहर झांकने की कोशिश ना करे, अगर ऐसा किया तो देवी का प्रकोप फिर से हो सकता है। बहनों पूजा जारी रखो, आइए भाइयों। Thank you.
ज्योति बिटिया देख, मुर्गे ने बांग दे दी है। सवेरा होने में बस एक घंटा रह गया है। बिटिया, अब तू ही हमारी पूजनी है। सारे गांव की जिंदगी बस तेरे हाथ में है बिटिया। सवेरा होने से पहले जल्दी से गांव के साथ चक्कर लगा ले। और देख, तू चिंता मत करियो, सारे मरद खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गए हैं। हाँ बिटिया, चिंता मत करियो। हाँ चलो चलो, आओ आओ चलो। ज्योति, ज्योति, क्या कितना पूजा भंग की, पकड़े उसे। गांव वालों, इसने हमारी तांत्रिक पूजा को नष्ट कर दिया है, मार डालो इसे। मारो, मारो, किसी ने कदम भी आगे बढ़ाया तो भून के रख दूंगा। अबे तू कौन होता है रोकने वाला? रवि दसवा ने हमारी पूजा में विघ्न डाला है, हम उसे जान से मार डालें। जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी है, मैं रवि पर आंच नहीं आने दूंगा। तू कौन है? तुझे तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अगर तू हमारे रास्ते से नहीं हटा तो हम तुझे भी जान से मार डालेंगे। चलो भाइयों। Oh, my God.
चली जाएगी रवि, तुम चौधरी को लेकर निकल जाओ, जल्दी जाओ, जाओ रवि। अपना ध्यान रखना गागा। रवि! Thank you.